क्योंकि हम सबसे स्ट्रिक्ट वाला कंपनी में घुस गया है, तो सभी को पता है बड़े कंपनी में हम लोग का उस्ताद अब कैसा है, अच्छा भी है मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, प्यारे कंपनी के लिए तो सबका अलग अलग व्यू होते हैं। तो यहाँ में हम लोग का जो सबसे स्ट्रिक्ट वाला अगर बोला जाए गोगोई सर, गोगोई सर तो सब लोग स्ट्रिक्ट बोलते, हम नहीं बोलते, दूसरा कंपनी वाला लोग बोलते, गोगोई सर नहीं क्या बोलते, लेकिन जो दूसरा कंपनी का लड़का आया गोगोई सर तो नहीं होगा। तो उसके बाद और है, और एक हम गए हुए है गारे सर, गारे सर में मेरा जो बदन है यहाँ पे जो जितना भी हम हुए ये रूस के 70% इसमें गारे सर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन, पीटी में बहुत पीटी बहुत अच्छा करा थे गारे सर, तो हंसी मजाक तो चलता ही है, कभी कभी पीटी में हंसना भी है। और ये डायलॉग यहाँ पे बहुत होता है, जैसे कि वो बोलते हैं ना हर दोस्त दुख और सुख में साथ देना है, तो पीटीसी में क्यों लागू होते हो बने से, क्योंकि कोई एक गलती करने से पूरा कंपनी खाएगा, बहुत हमें फील होता है। उसके बाद अभी अभी ये अभी पीटीसी को अगर हम एक वर्ड में अपना तरफ से कुछ बोलना चाहेगा तो हम लोग को सबसे पहले तो अच्छा डिसिप्लिन सिखाया है, हंसी मजाक तो चलो आज पूरा दिन ही बोलते हैं, नहीं तो हम भी ऐसे बात नहीं करना था, डिसिप्लिन तो सिखाया है हम लोग को अच्छा से कि अपना से सीनियर से कैसे बात करना है, अपना से एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट देना है, तो ये सब सीखने मिला। उसके बाद अपना जो टाइम है अपना टाइम को कैसे हम लोग यूज़ करना है, कैसे हम लोग उसको पंक्चुअल होना है टाइम में, उसके बाद साफ सुथरा कैसे रहना है, और हर मतलब बदन में स्मार्टनेस लाना कैसे है, वो सब सीखने मिला है। अभी हम दुल्का द्वारा रिग्रेट होते हैं कि हम क्यों एमबीएस में आ गया, अगर हम लोग को देख देख चाल चलने को देख देखते हैं मतलब चक्की होते हैं उनका बदन में, तो हम भी सोचते हैं हम भी तो फिजिकल देखे आरसी में घुसते थे, मेरा भी बदन मतलब मेरा भी चाल चलन और दुरुस्त हो जाना था, वही सोचते हैं उसके लिए थोड़ा रिग्रेट है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आगे जब अगर कुछ मौका मिलता है वहाँ से एक बार जरूर यहाँ आएगा। तो ज़्यादा तो कुछ बोलने के लिए नहीं है, बस यही कि कल परसों निकलेगा, फिर भी अपना दोस्तों को याद आएगा। उसके बाद पीटीसी का जितना भी ये आपका स्टाफ है जितना भी ऑफिसर है उन सभी को लास्ट और एक बार फाइनल बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग हम लोग का जो लाइफ का एक किताब है एक बहुत अच्छा चैप्टर हम लोग को इंक्लूड करके जिसको हम लोग जिंदगी बढ़िया, थैंक यू।